अरे कृष्ण, तो आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री राम कथा पर आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के स्कंद एक 10-1 बाल कांड, जिसका नाम उसके पहले अध्याय के 17 नंबर श्लोक। समुद्रे वगम धीरे धैर्य हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्य सोमवत् प्रिय दर्शन। तो श्री नारद मुनि भगवान रामचंद्र के और गुणों का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि भगवान समुद्र ही वह गंभीर, समुद्र के समान गंभीर हैं। इन ग्रेविटी इज लाइक द ओशियन, इन टॉलरेंस इज लाइक द हिमालयस, प्रोवेज ही सिमिलर टू लॉर्ड विष्णु एंड प्लीजिंग टू बिहोल्ड लाइक द मून। गंभीर, गंभीरता का क्या अर्थ होता है वर्णन किया जाएगा। गंभीर का मतलब क्या होता है? गंभीर का कई अर्थ होता है। एक अर्थ होता है गंभीर शब्द से ही जैसे पता चलता है कि जो व्यक्ति अंदर से आंतरिक रूप से असीम शांति की अवस्था में होता है, यानी डिस्टर्ब नहीं होता है, वो गंभीरता का लक्षण होता है। कोई कोई किसी भी परिस्थिति में वो अगर रहता है तो उसका जो आंतरिक विचारधारा है उसमें वो शांत रहता है, शांति को बना के रखता है, उसको गंभीर बोला जाता है, जैसे समुद्र। इसलिए समुद्र से तुलना किया गया है, समुद्र एवं गंभीर। समुद्र जैसे बाहर से जितने भी हर 1-2 सेकंड में वेव्स जो है आती रहती है, तरंगे कितनी भी चलती रहे, लेकिन अगर कोई समुद्र के अंदर जाएगा गहराई में तो वहां पे बिल्कुल एकदम शांत रहता है समुद्र। हालांकि बहुत सारे वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, एक्वाटिक्स जलीय जीव जंतु रहते हैं, तैरते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अब समुद्र जो है अपनी ग्रेविटी को यानी गंभीरता को कायम रखता है और डिस्टर्ब नहीं होता, शांत रहता है। समुद्र इवा गंभीर धैर्य हिमवान इवा, और इंटॉलरेंस इज लाइक द हिमालयस, हिमालय हिमालय की तरह सहन शक्ति है। हिमालय में पर्वत में तूफान आए, बारिश आए, या कई बार बादलों से जो है बिजली भी गिर जाती है, लेकिन फिर भी हिमालय को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको सहन शीलता से धैर्य ना धैर्य से कंपेयर किया जाए। विष्णुना सदृशो वीर्य, शक्ति में भगवान स्वयं साक्षात विष्णु ही है, भगवान विष्णु के समान ही शक्तिवान शक्तिमान है। सोमवत् प्रिय दर्शन, और जैसे चंद्रमा होता है विशेष रूप से पूर्णिमा का चंद्रमा, और उसमें भी अगर जो शरद की पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा कार्तिक महीने के जो शरद पूर्णिमा होती है, वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखता है, और ऐसा लगता है कि हम तो उसको बस केवल देखते रहें। तो ऐसे पूर्णिमा के चंद्र के तरह भगवान का दर्शन बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक होता है। जो भी व्यक्ति दर्शन करता है तो केवल देखना ही चाहता है, नजर हटा नहीं सकता है। ग्रेविटी मीन्स टू नॉट एक्सप्लिसिटली रिवील समथिंग विद इन, जस्ट एज द ओशन एग्जिस्ट विदाउट एक्सप्लिसिटली रिवीलिंग द जेम्स ज्यूल्स एंड अदर वैल्यूएबल्स विद इन इट। लॉर्ड राम ऑलवेज एग्जिस्ट विदाउट एक्सप्लिसिटली रिवीलिंग हिज सुप्रीम पोजीशन एट ऑल टाइम्स। ही हिमसेल्फ इलस्टेट आत्मानम मानुषम मन्ये, आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज ए ह्यूमन। रामायण के छठे स्कंद के 120 अध्याय के 11 नंबर श्लोक में भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि आत्मानं मानुषं मन्ये, कि मैं अपने आप को एक मनुष्य ही समझता हूँ। भगवान इसीलिए, यही कारण है कि जो भक्त नहीं है तो वो कभी भगवान को समझ ही नहीं सकते कि भगवान, क्योंकि भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं और अपने आप को हमेशा एक मनुष्य के रूप में रखते हैं। भगवान रामचंद्र जब सीता माता को किडनैप करके चले गए, चला गया राम, पहली बात तो लोग इसी तरह से विचलित हो जाते हैं कि अगर भगवान रामचंद्र परम भगवान है तो सीता माता को कैसे जो है रावण लेके चला गया, और कैसे भगवान राम जो है उस सोने के हिरण के पीछे दौड़ पड़े, और सीता कैसे किडनैप कर सकता है रावण सीता माता को। तो इसी में भगवान अपने आप को ऐसे, ग्रेविटी ये गंभीरता है, गंभीरता का मतलब इसमें क्या बताया गया है कि अपने अंदर का जो असली पहचान है उसको छुपा के रख। जैसे समुद्र से कंपेयर किया गया तो समुद्र होता है, समुद्र बाहर से केवल वेव्स तरंगे निकलती रहती है, पर
आती जाती रहती, और जो बीच में लोग इतना जो भी कचरा करते हैं समुद्र में फेंक देते हैं, तरंगों के माध्यम से वो सब कचरा बाहर आ। और लेकिन उसी समुद्र के अंदर एक से एक जूल्स हैं, जेम्स हैं, दिव्य रत्न रहते हैं। दिव्य तो नहीं रहते भौतिक समुद्र, लेकिन एक से एक रत्न अंदर रहते हैं, मोतियां रहते हैं, लेकिन उसको समुद्र कभी बाहर नहीं निकालता है, अंदर ही छुपा के रखता है। उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र का ये गुण बताया गया है कि समुद्र की तरह वो जो अपना असली जो पहचान है वो छुपा के रखते हैं, अपने असली योग्यताओं को छुपा के रखते हैं। यहाँ तक कि कई बार भगवान रामचंद्र की ऐसी भी लीलाएं हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। भगवान अभी पिछले 2-3 श्लोक पहले नारद मुनि वर्णन कर रहे थे कि भगवान जो है सबसे सारे वैदिक साहित्यों के ज्ञाता है, सारे वैदिक ज्ञान को रखते हैं धारण कर, लेकिन वही भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य फॉरेस्ट में गए तो उन्होंने इस प्रकार से जो वहाँ के सेजेस हैं, ऋषि मुनि हैं, तो उनको इतने विनम्रता के भाव से शिष्य के भांति उनके पास अप्रोच करते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने पूरी विनम्रता के साथ, जैसे कि भगवान को कुछ मालूम ही नहीं इस भाव में। तो जो ग्रेट सेजेस हुए, ऋषि मुनि हुए, वो भी भगवान को इतने विनम्र भाव से शिष्य बन के अप्रोच कर रहे हैं, तो भी उनको हर प्रकार का ज्ञान देते हैं। जैसे स्वयं जो विश्वामित्र मुनि हुए, वर्णन है जब भगवान राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं तारकासुर के वध के पश्चात, विश्वामित्र मुनि भगवान रामचंद्र को, राम लक्ष्मण को, जितने भी ऐसे हजारों हजारों दिव्य जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका विद्या, मंत्रो उच्चारण को चलाना, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सारा शिक्षा देते हैं प्रॉपर तरीके से। भगवान अपने आप को कभी ये प्रदर्शित नहीं होने देते कि वो सब कुछ जानते हैं, सारा ज्ञान उन्हीं से आ रहा है। विश्वामित्र मुनि ने जो भी उनको ज्ञान दिया वो ज्ञान भगवान रामचंद्र से ही प्राप्त हुआ उनको, लेकिन भगवान रामचंद्र इतने विनम्र भाव से उनको अप्रोच किए कि वो समझ ही नहीं पाए, उनको शिष्य के रूप में स्वीकार, जबकि जानते हैं विश्वामित्र मुनि कि राम कौन है, भगवान है, लेकिन ये भगवान की गंभीरता है, वो अपने असली पहचान को रखते हैं, ढक के रखते हैं। जब सीता माता का अपहरण हो गया तो उसके पश्चात राम भगवान ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई साधारण पुरुष होता है अपने पत्नी के खो जाने पे ऐसे विलाप करता है, इसीलिए कई लोग नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं कि भगवान कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये भगवान के एक महान गुण है कि संसार में प्राय अगर किसी के पास थोड़ा सा भी कुछ शक्ति आ जाए, बल आ जाए, थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, थोड़ा सा ऐश्वर्य हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा ढीगे हाँकते हैं, वो अपना बहुत ज्यादा बड़ाई करते हैं, सबको जाकर ढिंढोरा पीट के बताएंगे कि हमारे पास इतना बल है, हमारे पास इतनी शक्ति है, हमने ये करके दिखाया, वो करके दिखाया, हम आके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, भगवान का गुण है, भगवान गंभीर है, जो गंभीर स्वभाव के लोग होते हैं भगवान, ये भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिनके अंदर भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर ये गंभीरता का गुण होता है। गंभीरता का गुण मतलब वो अपने अंदर के जो दिव्य गुण होते हैं, अच्छी योग्यताएं होती हैं, उनको छुपा के रखते हैं, उनको रिवील नहीं करते, इसलिए समुद्र के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि भगवान समुद्र के समान गंभीर रहते हैं। आगे बता रहे, टॉलरेंस, टॉलरेंस मीन्स टू नॉट बी ओवरकम बाय लेमेंटेशन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉजेज ऑफ लेमेंटेशन। इंडीड इट हैज बीन स्टेटेड गिरयो वर्ष आराभिर अन्यमाना अव्यथु अभिभूयमाना व्यसनैर्यथा थोक्षस चेतसः। जस्ट एज डिवोटीज हुज माइंड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड रिमेन पीसफुल इवन व्हेन अटैक्ड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेंजर्स, द माउंटेन्स इन द रेनी सीजन वर नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड बाय द रिपीटेड स्ट्राइकिंग ऑफ द रेन बियरिंग क्लाउड्स। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 20वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक है, उसमें ये वर्णन प्राप्त हो रहा है कि भक्तों के गुणों का वर्णन दिया जा रहा है, कैसे भक्त
जो भगवान जिनका चेतना मन जो है भगवान के चरण कमलों में फिक्स रहता है, तो हर परिस्थिति में उसी प्रकार से शांत रहते हैं, हर प्रकार की कठिनाई डेंजर्स उसी प्रकार से वो टिके रहते हैं या सहनशील रहते हैं, जैसे माउंटेन्स हिमालय में बरसात बारिश के सीजन में बादल तीव्र वर्षा भी करते हैं और साथ ही साथ में बिजली का प्रहार भी करते हैं, लेकिन उनको उसके कारण पे कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये गुण भक्तों के अंदर क्यों आप कैसे आता है कि वो ऐसे परम भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनके अंदर ये गुण बहुत ही असीमित मात्रा में, ये जो ध्यान है, हम जिस भी वस्तु या जिस भी व्यक्ति पर ध्यान करेंगे, जिस भी व्यक्ति या वस्तु का हम ध्यान करते हैं, तो उनके गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण भी बताते हैं साफ साफ, ध्यायेतो तो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। कि अगर विषय वस्तु, इस भौतिक संसार की विषय वस्तु पे ही हम ध्यान रखेंगे, करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हमारा उसके प्रति आसक्ति बनेगा और फिर हम वो फिर काम को बढ़ाएगा और फिर फाइनली क्रोध उत्पन्न होगा, फिर इस प्रकार से बुद्धि नष्ट होती है, मोह उत्पन्न होता है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। लेकिन अगर यही ध्यान का वस्तु विषय वस्तु हम भगवान को रखते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगा और भगवान के जो दिव्य गुण है वो भी हमारे अंदर भी प्रकट होंगे। भगवान के अंदर असीमित मात्रा में हमारे अंदर वही दिव्य गुण बहुत ही छोटे माइन्यूट क्वांटिटी में, छोटे मात्रा में होंगे, लेकिन उतना हमारे लिए पर्याप्त होगा अपने आप को इस भौतिक संसार के हर प्रकार के दुष्प्रभाव से बचा कर रखने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान को की सहनशीलता को गिरे हो यानी हिमालय की तरफ हम प्यार किया गया। वास्तव में भगवान ये हिमालय से तुलना किया जा रहा है, लेकिन भगवान का जो सहनशीलता है वो कई लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है हिमालय से भी, और कोई वस्तु नहीं है जिससे तुलना किया जा सके। ये जैसे जो भी यहाँ पे तुलना किया गया है, जैसे उनकी गंभीरता समुद्र के समान है, सहनशीलता हिमालय के समान है, और शक्ति तो साक्षात विष्णु के समान है, तो ये तो भगवान विष्णु ही है, तो इसलिए ये तो सही है इसमें, और देखने में बिल्कुल चंद्रमा की तरह आकर्षक करते हैं। तो बाकी जो तीन उपमा दिया गया है, तुलना दिया गया है, तो ये बेस्ट है, कोई उपमा इस भौतिक संसार से दिया जा सकता है समझाने के लिए वो दिया जा रहा है, बट वास्तव में भगवान का जो गंभीरता है वो करोड़ों करोड़ों समुद्र से ज्यादा गहरा है, और सहनशीलता भी हिमालय से भी ज्यादा है सहनशीलता, और जो चंद्रमा चंद्रमा से भी ज्यादा आकर्षक है भगवान, जो देखता है तो कभी उनको देखना छोड़ नहीं सकता है। तो सहनशीलता में भगवान है, हर प्रकार के जीवात्माओं को सहन कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई जीवात्मा जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों से भगवान को से विमुख रहता है, भगवान का उपदेश सुनने को तैयार नहीं, भगवान का सेवा करने को तैयार नहीं करोड़ों करोड़ जन्म से, लेकिन फिर भी भगवान धैर्य पूर्वक धैर्य रख के सहन करते हुए उस जीवात्मा के साथ साथ चलते हैं, हर जिस भी प्रकार के शरीर को प्राप्त करता है, मनुष्य बनेगा तो मनुष्य शरीर में उसके साथ उसके बाजू में रहेंगे परमात्मा के रूप, और वो कुत्ता बिल्ली सुअर पशु पक्षी जीव जंतु गंधर्व नर देवता कुछ भी बनेगा, तो हर हर योनि में हर स्पीसीज में भगवान जो है उसके बाजू में खड़े रहते हैं, उसके हृदय में, हृदय के अंदर शरीर में जो हृदय होता है हृदय में आत्मा रहता है, और इसी आत्मा के बाजू में भगवान भी हमेशा परमात्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं, और उसके हर प्रकार के दुष्प्रभाव को भी सहन करते हुए भगवान उसको प्रयास करते हैं कि कैसे इसको वापस से सही मार्ग में लाया जा सके। ये भगवान की सहनशीलता है, इतना कोई भी सहन नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं इस भौतिक संसार में, ये भगवान ही एकमात्र जो करते। इट शुड बी नोटेड दैट बिकॉज सुप्रीम लॉर्ड कैन नॉट बी फैक्चुअली और फुली कंपेयर टू दीज आइटम, ये वही चीज यहाँ पे आ गई है, ऑफ द वर्ल्ड द अबव कंपैरिजन शुड बी अंडरस्टूड टू बी लाइक द स्टेटमेंट इशुवत गच्छति सविता द सन मूव्स लाइक एन एरो, सेम चीज तात्पर्य में भी आ गया जो ऑलरेडी मैंने कमेंट किया। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि भगवान को पूरे तरीके से किसी भी इस भौतिक पदार्थ भौतिक जगत के चीजों से तुलना नहीं किया जा सकता है,
बस एक ये आइडिया देने के लिए है, इसलिए बताया जाता है कि समुद्र की तरह गंभीर है ताकि हम कुछ अंदाजा लगा सकें। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, ईशुवत गच्छति सविता, जैसे सूरज है, सूर्य है तो वो एक तीर की भांति मूव करता है, चलता है। तो ये एक जस्ट तुलना दिया जाता है उसको, तो एक आइडिया लगाने के लिए कैसे सूर्य मूव करता है। इसी प्रकार से भगवान का कंपैरिजन, इसी प्रकार से भगवान की सुंदरता का कंपैरिजन जब किया जाता है तो भगवान के चरण कमल है, कमल के समान सदृश। तो ये कम तुलना है, भगवान के वास्तव में जो चरण कमल है, कमल नयन है, वो करोड़ों करोड़ों कमल की सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर है। इस प्रकार से इन प्रोवेश लॉर्ड रामा इज सिमिलर टू लॉर्ड विष्णु, दिस इज अ नाइस स्टेप कंसिडरिंग द फैक्ट दैट रामा वॉज बॉर्न फ्रॉम हाफ ऑफ द पायस स्वीट राइस ऑफ लॉर्ड विष्णु। ही इज गुड हैविंग टेकन बर्थ इन दिस वर्ल्ड, ही डिसिपेट्स लेमेंटेशन एंड गिव्स डिलाइट लाइक द। तो इस श्लोक में एक जो ये कंपैरिजन आया है कि भगवान राम का जो शक्ति है भगवान विष्णु के समान ही, ये परफेक्ट कंपैरिजन। बाकी जो तीन कंपैरिजन तुलना दिया गया है तो वो एक जस्ट आइडिया देने के लिए किया गया है, बाकी बल्कि भगवान के जो ये गुण हैं वो कई लाखों लाखों गुण ज्यादा दिव्य हैं। सारे जो भी आइटम यहाँ पे मेंशन किए गए, समुद्र है, हिमालय है या चंद्रमा है, इस प्रकार से भगवान के दिव्य गुणों का आकलन प्राप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, हम लोग रीड करते हैं। आप सभी लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने राम कथा सुन ली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।